वैसे भाई लोग, पोको F5 5G पर आज अपन BGMI गेम प्ले टेस्ट करेंगे। सो यहाँ से आगे देखते हैं डिवाइस के ग्राफिक्स। स्मूथ पर 90 FPS से लेकर ये डिवाइस HDR पर 60 FPS और आगे Ultra HDR सपोर्ट करता है। सो मैंने डिवाइस के ग्राफिक्स को स्मूथ पर 90 FPS करके कलरफुल 4X करके सेव किया और यहाँ से आगे चल दिया BGMI की गेम प्ले की ओर। वैसे भाई लोग, मैं करने वाला हूँ 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर 3 गिवअवेज, जिस पर नंबर 1 iPhone 11 128 GB, सेकेंड गिवअवे पोको X5 6 128 GB। ध्यान रहे, सेकेंड गिवअवे ओनली मेंबर्स के लिए है। एंड थर्ड गिवअवे 5 RP विनर, जिसके रूल्स आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए गजब सीन, छिछोरा बंदा, और यहाँ पर गलत फोन के सामने फंस गया ये बंदा। ये बंदा लड़कियों को देखकर CTET मार रहा है यहाँ पर, बेटे पेटी बनेगी आपकी। ये रावण बहुत ज्यादा गलत लॉबी पर फंस गया, मतलब भाई साहब मेरी लॉबी पर। इसकी पेटी भी मैं ही बनाऊंगा। यहाँ से आगे चलते अपन। वैसे भाई लोग, पोको F5 5G को लेकर मैं सीधे आ गया ज़ॉम्बीज़ों के इस खतरनाक इलाके पर। और सभी भाइयों का आपका वेलकम है। बिल्कुल वेलकम है आपका पोको F5 के इस खतरनाक गेम प्ले पर। इस मैच की लॉबी बड़ी अच्छी लॉबी है। बाजू पर, मेरे कहने का मतलब बाजू वाले मोहल्ले पर स्प्रे बाजी, और एक बंदा क्लोज पर आ गया था, ये बंदा नॉक फिनिश। वैसे भी लोग, डिवाइस पर आपको स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 का 5G चिपसेट मिलता है, जिसका अंतुतु स्कोर समथिंग 11 लाख के आसपास आता है। और स्नैपड्रैगन 7+Gen 2 4 nm पावर एफिशिएंट प्रोसेस के आधार पर बनाया गया है। वैसे कुछ बंदे आ गए यहाँ पर, एक बंदे को मैंने और दो बंदे को हमारे भी ने पकड़े थे। अपने किल को कंफर्म करने के बाद मैं आपको बता दूं, डिवाइस पर मैं सिस्टम के स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ इस गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूं। नीचे एक बंदा नजर आया, बंदा फिनिश। हाल फिलहाल तुम्हारा भाई कद्दूबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे इस कद्दू के ऊपर चढ़ने पर एक अलग मजा आता है। एक बंदा कैंपिंग कर रहा था, वो नॉक। बंदों के पास आया मैं, गजब सीन। और यहाँ पर गोल गोल रानी, बनाता हूँ बंदे की कहानी। ये बंदा नॉक फिनिश। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने डिवाइस पर ऊपर की ओर ग्रीन कलर से FPS मीटर को चालू करके रखा हूँ, जिसके चलते आपको डिवाइस की परफॉर्मेंस का एक अंदाजा हो जाएगा। वैसे ये डिवाइस 85-90 के बीच पर FPS को प्रोवाइड करता है। मेन ऑटोड्रॉप से आगे मैं पहुंचा यासन्या, और यहाँ पर आते बराबर गजब सी, हमारे स्वागत के लिए एक बंदा बैठा हुआ था यहाँ पर नीले वाले घर पर। ये बंदा अंदर भागा बहुत तेजी के साथ। ये बंदा नॉक फिनिश। कोई बात नहीं। यहाँ से आगे इस बंदे के टीममेट लोग चैलेंज पेल रहे हैं भाई साहब, आप शब्दों का प्रयोग करके। हाल फिलहाल यहाँ से आगे दूसरे वाले नीले वाले घर पर, गजब सी टाइमिंग मिस। यहाँ से आगे छोटी वाली पावर को यूज करके मैं आगे, यहाँ पर सामने वाले घर पर एक बंदा है, ये देखिए बमबाज, ये नॉक। तो इस बंदे को पकड़ने के बाद यहाँ से आगे जाएं क्या? जी हाँ, यहाँ से आगे चलता हूँ। जी नहीं, एक और बंदा नजर आया, ये भी नॉक। फिलहाल यहाँ से आगे चलेंगे सामने वाले घर पर। ये देखिए हमारे एक भाई कौन से वाले घर पर चले गए, ये वाले घर पर जाना है यहाँ पर, गजब सीन। एक और बंदा है, वैसे इन बंदों को हमारे भाइयों ने पकड़ लिए थे, लेकिन भाई साहब टाइमिंग मिस।
स्पेशल खतरनाक कैंपर। ये कैंपर फिनिश। यहाँ से ऊपर जाता हूँ। अपनी पेटी को दोबारा लूटना पड़ेगा। सो यहाँ पर दो बंदे बचे हुए हैं, जिसमें से एक बंदा इस नीले वाले घर पर है। ये नीचे कूदा, बंदा फिनिश। हाल फिलहाल डिवाइस ने मेन हॉट ड्रॉप से लेकर अभी तक कहीं पर भी एफपीएस को ड्रॉप नहीं किया है। ये देखिए फायर ओपी। यही बंदा लड़की लोग को देखकर सीटी मार रहा था। फिलहाल मुझे साउंड आया ड्रॉप के पास से, कुछ बंदे स्प्रे बाजी कर रहे हैं। गजब सीन। मेरे ख्याल से ड्रॉप के पास रावण बैठा हुआ है। जी हाँ, सीटी बाज। यहाँ से आगे जाऊंगा छत के ऊपर। पहुंच जा बेटा। यह आगे मैं छत के ऊपर। सामने की ओर पर स्मोक और मेरे बाजू वाले अपार्टमेंट पर बंदे लोग बैठे हुए हैं, जिसका मतलब यहाँ की फाइटिंग पर मजा आएगा भाई साहब। और हमारे भाई के अनुसार एक बंदा नीचे बैठा हुआ है। इसके मुंह पर बम फेंकूं क्या? जी हाँ, इस बंदे के ऊपर बमबाजी करता हूँ। इसी कोंटे पर बैठा हुआ है शायद। जी हाँ, यहाँ पर बम फेंका। गजब सीन। ये बंदा फूटा नहीं। और यहाँ से आगे जस्ट अ सेकेंड स्मोक के पास, लेकिन बिल्डिंग पर बंदा था बाजू वाले। ये रहा रावण, सीटी बाज बंदा। ये नॉक। उसके आगे एक और बंदा है और नीचे वाला बंदा यूएमपी बाजी कर रहा है। सामने एक और बंदा नॉक और नीचे वाले बंदे को हमारे भाई ने पकड़े। तो यहाँ से आगे सीटी बाज बंदे की पेटी बनाकर, जी हाँ, मिशन कंप्लीट करेंगे अपन। सो आगे की ओर पर मेरे साथ किताब से और भी बंदे हैं, मतलब ये पूरा एक स्क्वाड है। ये तीसरा बंदा नॉक, मतलब भाई साहब मात्र एक बंदा बचा हुआ है। और ये बंदा है कहाँ पर? तो भाई साहब थोड़ा सा वेट करता हूँ और वेट करने का नतीजा आपको नजर आएगा। जी हाँ, ये आखिरी बंदा, ये बंदा फिनिश। सो तो मिशन कंप्लीट। तो यहाँ से आगे गेम प्ले पर फोकस करते अपन। सामने वाले अपार्टमेंट पर दो बंदे बैठे हुए हैं। इन बंदों के लिए भाई साहब, जी हाँ, थोड़ा सा आगे जाऊंगा, मतलब जोन के अंदर। यहाँ से आगे, गजब सीन। सो अपार्टमेंट से आगे आने पर एक फायदा हुआ, एक बंदा पिकबाजी कर रहा था, वो नॉक। यहाँ से आगे सेकंड, जी हाँ सेकंड चल रहे हैं। पावर को यूज करके मैं जाऊंगा जोन के अंदर, मतलब जोन के बाहर, उन बंदों की पेटी बनाने। और यहाँ पर ये गलत सीन है। सो यहाँ से आगे दीवार के ऊपर से मैं आगे अंदर, यहाँ पर चिमनी चुमनी फेंकता हूँ। एक भाई ऊपर है शायद। यहाँ से एक और चिमनी, देन नेक्स्ट यहाँ से ग्रेनेड। एक बंदा नॉक, दूसरा बंदा चिमनी से फिनिश। सो फाइनली इस मैच पर कुल तीन बंदे बचे हुए हैं। सो यहाँ से आगे जाऊंगा जोन के अंदर। जोन के अंदर जाने के बाद, जी हाँ, बंदे जरूर जोन के बाहर से आएंगे। तो भाई साहब गाड़ी में बैठकर मैं जाऊंगा टंकी पर। एक बंदा नजर आया, ये डैमेज। और यहाँ पर स्पेशल दुख, एक भाई नॉक, किसी सांप ने उनको जहर का डब्बा दे दिया। और ये सांप देखिए पावर का यूज करके यहाँ आया। गजब सीन। डीबीएस बाज, वो नॉक। और जो दो बंदे बचे हुए हैं ये पुश करेंगे। जी हाँ, ये आ चुका है बग्गी बाज। और एक और बंदा आया पावर का यूज करके। बंदे चिमनी चुमनी फेंक रहे हैं, पेटी बनेगी यहाँ पर। हाल फिलहाल सामने वाले बंदों ने अच्छा खासा गेम प्ले खेला यहाँ पर। जी हाँ, रणनीति राजनीति इन डीबीएस बाजू ने लगाई यहाँ पर। वैसे भाई लोग, पोको F5 5G की परफॉर्मेंस बीजीएमआई के अंदर आपने इस गेम प्ले पर देखी, बहुत ज्यादा अच्छी थी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।